नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शहडोल से खबर है जहां पर यात्री बस पलट गई है। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हुए हैं जिनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट किया गया। 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उमरिया के घुनघुटी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। कटनी से शहडोल आ रहे थे ये यात्री बस में सवार होकर, जो बस हादसे का शिकार हो गई। शहडोल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर यात्री बस हादसे का शिकार हुई है, पलट गई है। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती किया गया। 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उमरिया के घुनघुटी थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। कटनी से शहडोल आ रही थी बस जो कि हादसे का शिकार हुई। उमरिया में यात्री बस पलट गई, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में घायलों को एडमिट किया गया, भर्ती किया गया। 12 में से 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उमरिया के घुनघुटी थाना इलाके में ये हादसा हुआ है। कटनी से शहडोल जा रही थी बस, तभी हादसे का शिकार हो गई। सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। करीब 12 यात्री घायल हो गए हैं जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। उमरिया के घुनघुटी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। कटनी से शहडोल आ रही थी बस, तभी हादसे का शिकार हो गई। अब बात करेंगे सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल बदलाव नहीं होगा, संगठन में यथावत सभी पदाधिकारी रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। संगठन महामंत्री ने निर्देश जारी किए, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यथावत रहेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी में संगठन स्तर पर कोई बदलाव अभी नहीं हो रहा है। एमपी कांग्रेस में फिलहाल बदलाव नहीं होगा, संगठन में यथावत पदाधिकारी रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला, संगठन महामंत्री ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यथावत रहेंगे। किसी भी तरह की सुगाहट नहीं थी और ना किसी भी तरह का बदलाव होना है। सारे पदाधिकारी, सारे सहप्रभारी, सारे प्रभारी और पूरे मीडिया डिपार्टमेंट के जितने भी विंग्स हैं, सारे विंग्स यथावत कार्य करते रहेंगे। और आपने देखा ही होगा कि माननीय जीतू पटवारी जी ने जब पदभार ग्रहण किया तो मंडलम सेक्टर से लेके हमारे बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद था और उसने ये जता दिया था कि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम बहुत पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। और ये विधिवत रूप से ऑफिशियल बयान भी जारी हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय का कि किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो फ्रेंचाइजी पर चलती है। पहले ठेके पर कमलनाथ जी लाए थे तो उन्होंने अपने सबलेट करते हुए अपने बेटे तक को ठेके पर दी थी छिंदवाड़ा। तो अब जीतू पटवारी ठेके पर लाए फ्रेंचाइजी, तो इस फ्रेंचाइजी के कुछ नियम होते हैं। उस नियम के चूंकि कांग्रेस के ही पदाधिकारी आरोप लगाते आए कि यहां तो टिकट भी बिकते हैं और पद भी बिकते हैं, तो अब जीतू पटवारी जी बताएंगे कि उनकी फ्रेंचाइजी के नियम क्या है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अंतर्कलह की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में हो गई है, जीतू पटवारी जी के बनते ही जिस प्रकार से पीसीसी में कमलनाथ जी के मीडिया समन्वयक के कमरे में तोड़फोड़ जो हुई है, ये बताता है कि पीसीसी में अब तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अब पार्टी में भी तोड़फोड़ शुरू होगी। उस तोड़फोड़ में कई पदाधिकारी जाएंगे भी, रवानगी भी होगी और कई नए आएंगे भी, क्योंकि फ्रेंचाइजी लाए साहब, तो फ्रेंचाइजी चलाएगा तो उसके नियम कायदे जो होंगे जीतू पटवारी तय करेंगे। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, कांग्रेस इस समय कठिन दौर से गुजर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद से संभावनाएं थी, अंदेशा था कि और भी बदलाव कांग्रेस में हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बात अब निकलकर सामने आई है कि अभी कोई बदलाव और नहीं होगा। शैलेंद्र,
बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जब बदले गए और जीतू पटवारी ने जब पदभार ग्रहण किया, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जाने लगे थे कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की गुंजाइश नजर आ रही थी। ये कहें कि शंका सुबह जो है वो पदाधिकारियों के मन में भी थी कि आखिर कौन किस भूमिका में आने वाला है, इसको लेकर संशय का लगातार चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश महामंत्री और संगठन के प्रभारी राजीव सिंह ने एक बाकायदा निर्देश जारी किया है, या ये कहें कि एक प्रश्नोत्तर जारी करके ये बताया है कि अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होना है, मंडलम सेक्टर से लेकर प्रदेश पदाधिकारी या जो अलग अलग विंग है वो सभी यथावत काम करती रहेंगी, यहाँ तक कि मीडिया विभाग में भी फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए उसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है। देखिए आने वाले कुछ महीनों बाद ही मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव होने, तो चुनाव के ठीक पहले यदि आप संगठन में फेरबदल करते हैं, बड़े स्तर पर फेरबदल करते हैं, तो जो काम करने के तरीके हैं उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संगठन का में कोई नया व्यक्ति अगर इन करता। दूसरा, जिस तरीके से पिछले साल ही जनवरी के महीने में पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ ने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई थी, जम्बो कार्यकारिणी का गठन किया था, तो ऐसे में अगर यदि उनके लोगों को कार्यकारिणी से बाहर किया जाता है या उसमें फेरबदल किया था, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी जैसी बात भी सामने आ सकती है। तो फिलहाल जीतू पटवारी ने एक बुरे समय में कांग्रेस की कमान ली है और ऐसे में लोकसभा चुनाव सर पर है, वो कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहेंगे जिससे कि पार्टी में बिखराव हो। हालांकि बीजेपी जो है वो बिखराव की आशंका जता रही है, आरोप भी लगा रही है, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया, कमलनाथ के मीडिया सलाहकार रहे पीयूष बबेले के जो दफ्तर था उसमें तोड़फोड़ की गई, तो ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष चयनित नहीं होते, मनोनीत नहीं होते, बल्कि फ्रेंचाइजी सिस्टम जो है वो कांग्रेस में चल रहा है, तो जीतू पटवारी कितने भी प्रयास कर ले वो सफल होने वाले नहीं है। लेकिन देखिए जीतू पटवारी की जो छवि है वो एक जुझारू नेता के तौर पर जानी जाती है और विपक्ष में कांग्रेस है इस समय, तो ऐसे में सड़कों पर किस तरीके से कांग्रेस को काम करना है ये संगठन में और भी ज्यादा बदलाव होंगे तो संगठन को फिर एक करने में और भी कहीं ना कहीं परेशानी कांग्रेस को हो सकती है। ठीक बात कही आपने शरण, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष लगातार लाडली बहना योजना को लेकर हंगामा कर रहा है। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में साफ कर दिया कि सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सरकार के पास सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट है। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है, इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। विधानसभा में सीएम के भाषण के बाद सदन स्थगित कर दिया गया और इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लाडली बहना को लेकर कानून बना दिया जाए जिससे कोई भी सरकार बने तो पैसा बहनों को मिलता रहे। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर मुख्यमंत्री को चर्चा करनी चाहिए थी। आश्वासन दिया है सदन में, अब अगर नहीं करेंगे तो उसकी लड़ाई नहीं। उन्होंने कहा है कि इसको हम पूरा चलाएंगे, लेकिन हमने कहा है कि इसका ठीक है आप अधिनियम कानून बनाएं, जैसे खाद्य सुरक्षा कानून है, जिस प्रकार से कई कानून है उस पर उन्होंने जवाब दिया। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार शुरू हो चुका है, लगातार जारी है। बम्बई बाजार में नगर निगम ने कार्रवाई की, 100 से ज्यादा कर्मचारी इसमें शामिल थे, दुकानों से अतिक्रमण को हटाया गया। जब से हम देख रहे हैं इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, पूरे मध्य प्रदेश में ही बुलडोजर अपनी तेज रफ्तार से चल रहा है और ये सख्ती देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश की ये सख्ती। 100 से ज्यादा कर्मचारी थे जब ये कार्रवाई हो रही थी बम्बई बाजार में। अंतर मार जोर से निगम का और बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे थे।
निगम की कार्रवाई में 100 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए थे। फुटपाथ पर होने वाले कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है। जहां एक तरफ इंदौर शहर के ऐसे बाजार जहां लोग सुगमता से जा सकें, वहां लगातार लोगों को समझाइश देकर कार्रवाई कर सड़कों को और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया है। आज बम्बई बाजार में भी कार्रवाई करके बम्बई बाजार के रोड को फुटपाथ पे अतिक्रमण से मुक्त करने का काम नगर निगम की टीम कर रही है। मैं इंदौर शहर के सभी व्यापारियों से, दुकानदारों से, लोगों से आग्रह करता हूं कि इंदौर के सुगम ट्रैफिक के लिए अपने फुटपाथ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें, अन्यथा समझाइश देने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अन्य बाजार में भी बिना भेदभाव के एक जैसी कार्रवाई इंदौर नगर निगम लगातार जारी रखेगा। तो सुना आपने, महापौर ये कह रहे थे कि ट्रैफिक को सुगमता से चलाने के लिए, आवागमन बाधित ना हो, इसीलिए अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को, अवैध अतिक्रमण को वहां से हटाया गया है। दुकानों के सामने जो निर्माण किए थे दुकानदारों ने, उस पर हथौड़ा चला है निगम का, और इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा कर्मचारी भी शामिल हुए थे। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, महापौर कह रहे हैं कि ट्रैफिक सुगमता से चलता रहे, यही मकसद है नगर निगम का, और यही वजह है कि जो दुकानों के सामने अवैध निर्माण बना है उस पर चला है हथौड़ा निगम का। हाँ जी बिल्कुल, अगर इंदौर की बात की जाए, इंदौर के प्राचीन बाजारों की बात की जाए, जिसमें राजवाड़ा, सरापा, बम्बई बाजार, आड़ा बाजार, ये जो इंदौर के प्राचीन बाजार हैं, इसको लेकर महापौर ने पहले कह दिया था कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश मिल चुके हैं, सुगमता से ट्रैफिक चलना चाहिए। अगर ट्रैफिक में कोई भी बाधा उत्पन्न हुई तो कार्रवाई की जाएगी। समय रहते सभी लोग फुटपाथ पर जो अतिक्रमण किया अपने से तोड़ ले, सामानों को हटा ले, वरना सख्ती से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और आज पहला दिन था जब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नगर निगम का 100 से अधिक कर्मचारियों का बम्बई बाजार पहुंचा और बम्बई बाजार में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई को किया गया। फुटपाथ में जिन लोगों ने दुकान के बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा था, अतिक्रमण को हटाया गया और जो अतिक्रमण निर्माण कार्य किया गया था उसे उसी वक्त तोड़ दिया गया, यानी तोड़ने के साथ मलबा भी हटा दिया गया और करीब दो ट्रक से ज्यादा माल को जब्त भी किया गया। अब सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर अब नालियों के ऊपर, जालियों के ऊपर या सरकारी जमीन पर या रोड पर अगर अतिक्रमण किया या किसी ने फुटपाथ पर अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ अब बुलडोजर ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महापौर ने सख्त लहजों में कह दिया कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जितने भी बाजार हैं, सभी व्यापारियों को उन्होंने कहा है कि खुद से अपना जो उन्होंने अतिक्रमण किया है सामान हटा ले, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि ट्रैफिक से अब समझौता नहीं हो सकता। और देखिए, ये अच्छी पहल है। अगर इंदौर के प्राचीन बाजारों की बात की जाए तो बहुत साल पुराना बाजार है, लोग खरीदारी के लिए वहां पर पहुंचते हैं और त्योहारों में खासतौर पर सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक जब ज्यादा होता है तो लोग निकल नहीं पाते हैं, चाहे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इस बार निर्णय लिया गया था कि जहां पर अतिक्रमण किया गया उस अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा और अतिक्रमण को लेकर इंदौर में लगातार मुहिम जारी होगी। यानी इस वक्त ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महापौर ने नगर निगम के तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और इस वक्त इंदौर में अतिक्रमण को लेकर एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है, आगे भी ऐसी कार्रवाइयां और देखने को मिल सकती है इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश का सख्ती से असर देखने को मिल रहा है। जहां भी लाउड स्पीकर लगे हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। देखिए, एमपी में सीएम बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने के निर्देश दे दिए थे, जिसका असर अब दिखने लगा है। आज से प्रदेश भर में अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में मस्जिदों और गुरुद्वारे से खुद ही लाउड स्पीकर हटा दिए गए। शहर के अलग अलग इलाकों से लाउड स्पीकर हटाने की तस्वीर सामने आई है। लाउड स्पीकर हटाने के बाद लोगों ने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को वीडियो भेजे। बता दें कि आज से ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती से पालन होना है। सभी धार्मिक स्थलों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि वो ज्यादा ध्वनि वाले स्पीकरों को हटा दें, जिसका असर दिखने को भी मिला है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके विपरीत, इतने विपरीत हालातों के बीच भारतीय सेना के जवान देश की खातिर दिन हो या रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी पर डटे हुए हैं। एलओसी में रात में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है।
सर्द रातों में जब हिंदुस्तान के लोग रात में अपने घरों में सुरक्षित तरीके से सो रहे होते हैं तो हमारे देश के जाबाज जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वो अपने फर्ज की खातिर अपने परिवार तक को भूल जाते हैं। तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर से आई हैं। बारामूला में रात के अंधेरे में सेना की टुकड़ी पेट्रोलिंग कर रही है। हाथों में अत्याधुनिक राइफलें और नाइट विजन कैमरे के साथ सरहद पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना नाइट थर्मल इमेजर्स और उन्नत हथियारों के दम पर सीमा की रखवाली करती है। जहां पड़ोसी पाकिस्तान की हर नापाक चाल को फेल करने के लिए हमारे जवान दिन रात कड़ा पहरा देते हैं। दुश्मन की एक भी नापाक हरकत को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी गुस्ताखी सीमा पार से हुई तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा जो सालों साल याद रखेगा। जाबाजों के दमखम से ही पाकिस्तान अब कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचता है। जम्मू कश्मीर में हालात कभी भी आसान नहीं रहते, सर्दियों में तो ये और भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ठंड इतनी जबरदस्त पड़ती है कि आम इंसान तो हवा के झोंकों को सहन भी नहीं कर सकता। बर्फीले इलाकों में तो पारा माइनस से नीचे चला जाता है, लेकिन हमारे जवान फौलादी इरादों के साथ हर मौसम, चाहे चिलचिलाती धूप हो या बारिश या फिर कड़ाके की ठंड, इनके हौसले के आगे सारी बाधाएं फिर हार मान जाती हैं। भारतीय सेना बदलते वक्त के साथ लगातार मजबूत होती जा रही है। थल सेना हो या फिर वायु सेना, हर जगह सेना को अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी देने की कोशिश हो रही है। बारामूला उत्तरी कश्मीर के इलाके में पड़ता है। पाकिस्तान पहले भी इन इलाकों में घुसपैठ करता आया है, लेकिन जब से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई है, तब से उसके हौसले पस्त पड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान शांत होकर बैठ गया है, वो अपने आतंकियों की घुसपैठ कराने की हर दम कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी के आगे उन्हें भी मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे ही जवानों को देश का हीरो नहीं माना जाता, क्योंकि उनके संकल्प के आगे हर चुनौती फीकी दिखाई पड़ती है। उनके संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम आ गया है। ऊंची वादियों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में कई जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाली जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बात उत्तराखंड की करें तो यहां चमोली और औली में हिमपात हुआ है। आने वाले समय में दूसरी जगहों पर भी बर्फ गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में पाला और मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। 23 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
12 दिसंबर को हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में लगातार शीतलहर बढ़ती जा रही है। चमोली में कड़ाके की ठंड के बीच अब स्कूली बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात को -1 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, जिससे नदी नाले तक जमने की कगार पर है। हालांकि दोपहर में थोड़ी सी धूप से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। वहीं सैलानी भी पहाड़ों की तरफ रुख करने लगे हैं, क्योंकि क्रिसमस के बाद नया साल आने वाला है। औली में बर्फबारी के बाद यहां की वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं, जिसे देखने के लिए सैलानी औली का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कीइंग के शौकीन भी औली आ रहे हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भी औली में तैयारी चल रही है। औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटल फुल चल रहे हैं। क्रिसमस को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम की विशेष तैयारी है। देखिए, इससे पहले जो दिसंबर महीना शुरू हुआ था तो बर्फबारी नहीं थी, तो कुछ बुकिंग कुछ भी नहीं थी, इंक्वायरी भी नहीं थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो बर्फबारी हुई उससे काफी इंक्वायरी भी आई, और जो अभी लेटेस्ट 23-24 वाला वीकेंड आने वाला है उसमें औली तो मुझे लग रहा है लगभग फुल हो रहा है, लेकिन जोशीमठ भी 50% तक बुकिंग आ चुकी है और इंक्वायरी कंटिन्यू चल रही है। अभी 22 से 24 दिसंबर तक पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद से सैलानियों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे पर रौनक है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड का असर मैदानी इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। बहुत पूछो मत पूछो, परसों कल था आपको -5 था, आज -4 है, तो नलके भी लग रहा है, गाड़ियां भी लग रहे हैं। यहाँ इतना सर्दी है, ठंड, आग जलाना पड़ता है, बाइक भी चल नहीं सकता है, बहुत ठंड है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। इससे मैदानों का पारा भी लुढ़कने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।